गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। टुडे इज अवर सब्जेक्ट इज मैथ्स इन स्टैंडर्ड फर्स्ट। आगे के हमने वीडियो में लेसन नंबर 4 सब्ट्रैक्शन फिनिश किया था। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 5 नंबर्स फ्रॉम 10 टू 20। अब उसमें यहाँ पे 10 टू 20 मतलब के ये है अलग अलग, ये अलग अलग लकड़ियाँ हैं, तो हमें इसको 10 का बंच बनाना है, मतलब के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसका बंच ऐसे बनेगा। ओके, तो इसी तरह से ये बेरीज है तो इसको भी हमें ऐसे 10 बनानी है। इस ये मैच बॉक्स है, मैच स्टिक है, मैच स्टिक, तो इसको हमें ऐसे 10 की पोटलियाँ बनानी है, एक मंडल बनाना है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है मेक अ ग्रुप ऑफ 10, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का एक ग्रुप बनाया है और उसके ऊपर सर्कल किया है। उसी तरह से हमें यहाँ पे भी कैंडीज़ में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हमें 10 कैंडीज़ को ऐसे सर्कल करना है। ओके, उसी तरह से ये जार, लीव्स, चॉकलेट, आपको होमवर्क में करना है ये ग्रुप बनाना। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, काउंटिंग, काउंट करना है, मतलब कि ये 10 है। ओके, 10 का एक बंच ही है और नीचे 10 भी लिखा है, 10 + 1 = 11। 10 हो उसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 11। उसी तरह से यहाँ पे 10 + 2, 10 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 12। तो आपको ये भी खुद से करना है होमवर्क में। यहाँ पे भी उसी तरह से ही ब्लैंक है। अब यहाँ पे ग्रुप भी बनाना है, जैसे हमने आगे देखा ग्रुप भी 10 का बनाना है और उसके बाद जितने बचे उसको यहाँ पे लिखना है। देखो पहले एक मैं समझाती हूँ, यहाँ पे 10 आइसक्रीम कौन का ग्रुप बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का बनाया है तो 10 तो आएगा, उसके ऊपर कितना है, 11 12 और 30, तो यहाँ पे 30 लिखा है और फिर 10s की प्लेस है, फिर 1s की प्लेस है। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे देखो ऐसे ऐसे ग्रुप बनाना है किसी भी एंगल से, और फिर कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो 10 + 5 कितने हुए, 15, तो फिर 10 और 10 की प्लेस 1 और 1s की प्लेस 5। इसी तरह से ये आपको खुद से करना है होमवर्क में, ये भी उसी तरह है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है टेबल कंप्लीट करना है, मतलब के तो 10 10, तो यहाँ पे आपको राइट देम कॉपी डाउन करना है, यहाँ पे भी 20 तक। ओके, 20 तक आपको खुद से लिखना है। अब यहाँ पे टिक द ग्रुप विथ मोर ऑब्जेक्ट, मोर ऑब्जेक्ट मतलब कि इन दोनों पॉट्स में से जहाँ भी ज़्यादा पॉट्स है वहाँ पे राइट करना है। अब पहले दोनों को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30। ओके, तो 40 और 30 इन दोनों में से क्या ज़्यादा है, तो 40, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मोर पे, मतलब के ज़्यादा वाले पॉट्स पे। इसी तरह से आपको ये वाला खुद से फिनिश करना है। और यहाँ पे जॉइंट इन ऑर्डर, तो 1 से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जॉइंट करके 5 बनाना है। उसी तरह से राइट द मिसिंग नंबर, 10 है 12 है बीच में क्या नहीं है, 11, फिर 30 40, इस तरह से आपको मिसिंग नंबर करना है। व्हाट कम आफ्टर 8, तो 8 के आफ्टर क्या आएगा, 90 20, फिर आफ्टर 40, तो 40 के बाद क्या आएगा, फिर बिफोर, तो 16 के पहले क्या आएगा, फिर 9 के पहले और 9 के बाद क्या आएगा, ये आपको खुद से करना है, होमवर्क है।
फिर सर्कल द बिगर नंबर, तो मतलब कि जो इन दोनों में से बड़ा है, बिगर नंबर है, उस पर सर्कल करना है। तो यहाँ पे 11 या 13 में से क्या बड़ा है, तो 13 पे किया हुआ है। यहाँ देखते हैं कि 13 और 15 में से क्या बड़ा है, तो 15, तो यहाँ पे हमको खुद से सर्कल करना है। तो ये भी आपको होमवर्क में करना है। और स्मॉलर, तो छोटा नंबर, छोटे नंबर पर सर्कल करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से बिगर नंबर पे करना है, फिर से बिगेस्ट नंबर पे करना है, और फिर से स्मॉलेस्ट नंबर पे। उसी तरह से आगे एडिशन आता है, मतलब कि प्लस। तो मैं आगे के चैप्टर में, एडिशन के चैप्टर में हमने सीख लिया है कि एडिशन कैसे करना है। 4 + 5 कितने होंगे, 9। यहाँ पे आपको लिटियाँ करके या सर्कल करके गिनना है। यहाँ भी प्लस ही करना है, ऐसे स्टिक करके भी आप लोग गिन सकते हो, सर्कल करके भी आप लोग गिन सकते हो। फिर यहाँ पे फिर से सब्ट्रैक्शन आया, तो यहाँ पे माइनस करना है। 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 आंसर। तो इसी तरह से ऐसे भी ये भी ख़त्म करना है। और यहाँ पे एडिशनल प्रैक्टिस, तो यहाँ पे भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 5 फिनिश होता है। जो जो मैंने समझाया है वो आपको मम्मी या पापा के पास बैठ के फिनिश करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।